कैसे है? आप आज हम इस करेंगे इस बोर्ड की वायरिंग, जिसमें एक स्विच, एक 5 पिन सर्किट, एक 2 पिन सर्किट और एक इंडिकेटर है। आइए करते हैं इसकी वायरिंग। ये इंडिकेटर है, सबसे पहले हमें इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। इसके लिए हम जो एक वायर है स्विच के एक पॉइंट में लगा देंगे। हमें एक पॉइंट में यहाँ से लगा देना है। और जो एक और वायर है इसे हमें से एक वायर यहाँ से एक वायर ले लेना है आपको, और इंडिकेटर के इस वायर को एक को इसमें हमें एक कनेक्शन वायर ले लेना है। कनेक्शन वायर को हमें सर्किट में लगा देना है। से हमें यहाँ लगा देना है। इस वायर को हमें और इसे ऐसे सॉकेट में लगा देना है। और हमें स्विच से एक वायर यहाँ से यहाँ लगाना है, जिससे हमारे एक स्विच से दोनों ऑन ऑफ हो सके। ये वायर ले लेंगे। हमें सॉकेट के पॉइंट से मिला देना है। इसमें हमें करवा लेना है और ऐसे दोनों को मिलाकर इस वाले सॉकेट के पॉइंट में है लगा देना है। यहाँ से हमें जो स्विच का एक पॉइंट है इसमें दे देना है इसका कनेक्शन। ये हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हमें इसके लिए करंट के वायर निकालना है। इसके लिए हम एक वायर जो है इस वाले इसमें से ले लेंगे स्विच के पॉइंट में से। और एक वायर हमें यहाँ से लेना है में लगा देंगे वायर। ये हमारा कनेक्शन हो गया है।